मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब वह प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का मोबाइल हैक होने की शिकायत लेकर साइबर सेल पहुंचे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब नर्सिंग घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने टीटी नगर थाने पहुंचे। दोनों ही जगह उन्होंने शिकायती आवेदन देकर जल्दी FIR करने की मांग की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सारे साक्ष्य सरकार और मुख्यमंत्री को दिए। मंत्री जिसने नियम बदले, करप्शन सामने आया। हमने पुलिस से कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में मंत्री आना चाहिए। पुलिस ने 14 दिन का समय मांगा है, हम 18 तारीख को फिर प्रदर्शन करेंगे। महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर जीतू पटवारी ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे समय क्यों भेजा? अगर आप सच्चे हो तो डर कैसा? जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नर्सिंग घोटाला सत्य है। और नर्सिंग घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल के। वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। CBI पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी। कुछ नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विश्वास सारंग कितने डरे हुए हैं यह सभी लोग समझ सकते हैं। सदन में उन्होंने झूठ बोला, अपनी बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? मंत्री पद छोड़कर निष्पक्ष रूप से जांच के बाद अगर सही निकलते हैं तो फिर से मंत्री बन जाएं। महिलाओं द्वारा थाने में प्रदर्शन करने पर उमंग सिंघार ने कहा कि इन बहनों के बारे में मैं क्या बोलूं? युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं तो कितने डरे हुए हैं ये मंत्री आप समझ सकते हैं। अगर ये आप इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है तो क्यों इतने घबरा रहे, क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे आप नारेबाजी कराने? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री और सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता, ना उन छात्रों की गलती है कि जिनकी जवाब कोई नहीं है। आज फर्जीवाड़ा कॉलेज, अगर उनको मालूम होता कॉलेज के फर्जी कॉलेज तो युवा उसके अंदर एडमिशन नहीं लेते। तो ये जो नियम जिन्होंने बनाए विश्वास सारंग ने, तो नर्सिंग काउंसिल में अवैध नियुक्तियाँ करी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, हम उसी को लेके FIR करने आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पर निष्पक्ष पूरे प्रदेश के युवाओं के को न्याय होना चाहिए, हम युवाओं के साथ है, ये हम आपसे कहना चाहते। और ये निष्पक्ष लड़ाई है और सरकार में बैठे फर्जी और भ्रष्टाचारी मंत्री खिलाफ है, किसी खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन ये युवाओं के अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जिस वक्त दोनों नेता थाने के अंदर FIR के लिए शिकायती आवेदन दे रहे थे, उसी समय कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। थाने में शिकायत देने के बाद दोनों नेता चले गए, लेकिन कार्यकर्ता इसके बाद भी नारेबाजी करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।